स्वच्छ भारत अभियान की बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई गई, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई गई। हम आपको एक सूचना बताना चाहते हैं, एक सूचना देना चाहते हैं कि दो वर्षों से क्लीन सिटी की अगर हम बात करें, क्लीन सिटी में प्रथम स्थान पर इंदौर ने हर बार बाजी मारी, सेकंड स्थान पर भोपाल ने, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की एक बहुत बड़ी नामी गिरामी शहर में आने वाला शहर है, उसी मध्य प्रदेश राज्य की बरगवा में आज हम खड़े हैं, जो कि सिंगरौली ज़िले में पड़ने वाला एक कस्बा बोल सकते हैं, एक शहर, एक गांव बोल सकते हैं। आज उसकी स्थिति हम आपको दिखा पा रहे हैं कि पहली चीज़ तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ जिस प्रकार से गंदगी का वातावरण फैलाया जा रहा है, क्या इस पर प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है, या प्रशासन ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधा हुआ है, या लोगों की कमी है? इन विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, हर घर में शौचालय की बात होती है, घर घर की बात तो हम नहीं करते, लेकिन सब्जी मंडी बाज़ार में कम से कम एक ऐसा शौचालय तो होना चाहिए जहां पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर खुलेआम लोग आते हैं और खुलेआम यहाँ पर अपना मलमूत्र त्यागते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये जो आप शौचालय का जो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये शौचालय बनाने के लिए यहाँ पर काम शुरू हुआ था, लेकिन ये काम बंद पड़ा है। ऊर्जा की राजधानी कहे जाने वाले शहर सिंगरौली की अगर हम बात करें तो बरगवा एक ऐसे स्थान पर है जहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भी, उससे भी कम दूरी पर ही बड़ा सा प्लांट, पावर प्लांट बैठा हुआ है महान हिंडाल्को की अगर हम बात करें। लाखों करोड़ों अरबों का टर्नओवर करने वाला ये प्रोजेक्ट क्या इतना भी ध्यान नहीं दे सकता? प्रशासन के पास क्या पैसों की कमी है? क्या टैक्स वसूला नहीं जा रहा है? किस बात की कमी जा रही है और कहां पर जा रही है, जिसके कारण आज हम इस प्रकार के शर्मसार दृश्य को देख पा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहां पर स्वच्छ भारत अभियान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहां पर ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे सिंगरौली ज़िले के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। लोगों से हम लोगों ने बात करने की प्रयास किया, लेकिन लोग उस विषय में शायद ज़्यादा जागरूक नहीं हुआ, लोगों ने बताना भी नहीं चाहा। खैर, कैमरामैन जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार पोलकोल पोस्ट की ओर से हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हालात है बरगवा की। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोलकोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। पोलकोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805 266080।